हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि यूपीपीसीएल ऑफिस असिस्टेंट का एग्ज़ाम शुरू हो चुका है 22 तारीख से ही, तो अभी तक जितने भी इसके एग्ज़ाम हुए अभी तक वो लगभग क्वेश्चन का लगभग लगभग सेम रहा है। मतलब कहीं बहुत ज़्यादा 19-20 नहीं रहा है। तो इसी के आधार पे हम लोग इसका कटअप देखते हैं, क्या कटअप जा सकता है और आगे जिसका एग्ज़ाम होगा वो अपना कितना टारगेट लेकर चले। तो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि क्या सेक्शन आ रहा। तो कंप्यूटर टॉपिक मतलब टफ जैसा पूछ रहा है, और जो प्रैक्टिकली कंप्यूटर को जानता है वो कंप्यूटर सॉल्व कर रहा है। जीएस मॉडरेट टू टफ पूछा जा रहा है, क्योंकि जीएस करेंट है, आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता है। इंग्लिश मॉडरेट है, बहुत टफ नहीं हो रहा है। हिंदी भी मॉडरेट है। अलंकार, छंद, रस, इसको पढ़ कर जाएँ, ज़रूर से पढ़ कर जाएँ। और जो रीजनिंग है ये ईजी है। तो आप अपना टाइम हिंदी और इंग्लिश में दें, जिनका और कंप्यूटर पर जिनका भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है। तो इसका कट ऑफ दोस्तों ज़्यादा नहीं जाएगा। इसका कारण है कि पहला तो इसमें निगेटिव मार्किंग है, दूसरा है कंप्यूटर में पास होना, जो काफ़ी एक गंभीर विषय है इसमें, क्योंकि कंप्यूटर काफ़ी टफ पूछा जा रहा है और कंप्यूटर में पास होना डिफ़िकल्ट थोड़ा है। और सबसे बड़ी बात है सीट ज़्यादा है। तो दोस्तों, सीट ज़्यादा है, निगेटिव मार्किंग है, वहाँ कट ऑफ ऑटोमेटिक बहुत ज़्यादा नहीं जाता है, इसलिए मैंने ज़्यादा कट ऑफ नहीं बनाया और उसके ज़्यादा जाएगा भी नहीं। तो दोस्तों, इसके रिगार्डिंग जिसका अगर इस कट ऑफ के अनुसार जितना अगर जा रहा है उसके अनुसार वो अपना टाइपिंग शुरू कर दे। मेरे ख्याल से जनरल 110 के आसपास रहेगा, प्लस माइनस 2-3 कर लीजिए। ओबीसी और जनरल का ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है यूपी में, तो मैंने लिख दिया है। SC ST का भी 100 और 95 का ही है, तो कट ऑफ इसी के अराउंड जाएगा। और दोस्तों, जिनका एग्ज़ाम अभी होना है वो अपना इंग्लिश पर टारगेट करें, हिंदी पर टारगेट करें, खासकर अलंकार और रस में क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो वो आपको लीड दिलाएगा। जीएस करंट कुछ देख लें, खासकर खेल प्रतियोगिता का करंट देख लें, और अपॉइंटमेंट वगैरह जो होता हुआ है अभी रिसेंटली वो देख लें। बाकी दोस्तों, मेरा आंसर कटअप यही है, और आगे कुछ क्वेश्चन अगर मिलेंगे तो मैं डालूंगा रिव्यू, कैसा एग्ज़ाम जा रहा है कैसा नहीं। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।